बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम आपको बताएंगे कि होलाष्टक कब से है और होलाष्टक के दौरान आप क्या करें क्या ना करें, अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, धन पाने के लिए होलाष्टक के दौरान किस भगवान की पूजा करें। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि होलाष्टक कब से शुरू हो रहा है। देखिए, 21 मार्च 2021 से होलाष्टक प्रारंभ होगा और 28 मार्च 2021 को होलाष्टक समाप्त होगा, जब होलिका दहन होगा। तो 21 मार्च 2021 से लेकर के 28 मार्च 2021 के बीच होलाष्टक रहेगा। तो होलाष्टक में क्या करना होता है, कुछ जो शुभ काम होते हैं, विशेष शुभ काम होते हैं, वो नहीं करने चाहिए। जैसे गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह नहीं करना चाहिए, जैसे नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए, जैसे मुंडन संस्कार नहीं करना चाहिए, और भी जो महत्वपूर्ण शुभ कार्य हैं वो होलाष्टक के दौरान नहीं किए जाते हैं। तो 21 मार्च 2021 से 28 मार्च 2021 तक होलाष्टक रहेगा, इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से शुभ काम नहीं करना चाहिए आपको फिर से बता दें, विवाह, गृह प्रवेश, गृह का निर्माण शुरू करना, जैसे घर, जब आप ज़मीन में घर बनाते हैं जिसको भूमि पूजन करते हैं, तो भूमि पूजन भी नहीं करना है। और इसके अलावा जो संस्कार हैं, जैसे मुंडन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, ये भी नहीं करना है। और भी जो महत्वपूर्ण कार्य है जो आप करना चाहते हैं, उसको भी होलाष्टक के दौरान करने से बचना चाहिए। तो अब आप होलाष्टक के दौरान क्या करें, शुभ काम ना करें, तो ऐसा क्या काम करें कि होली के बाद आपकी तरक्की शुरू हो जाए। होलाष्टक हमने आपको बता दिया 21 मार्च से लेके 28 मार्च 2021 तक रहेगा। 28 मार्च की शाम को होलिका दहन होगा। देखिए, होलाष्टक के दौरान जो लोग भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनको जीवन में तरक्की के बहुत सारे अवसर होली के बाद मिलते हैं। तो होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और भगवान विष्णु से विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो लोग भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनको उन्नति के बहुत सारे अवसर होली के बाद प्राप्त होते हैं। तो यदि आप उन्नति करना चाहते हैं, खूब धन कमाना चाहते हैं, तो होलाष्टक के दौरान भगवान विष्णु का विशेष पूजन करिए। कैसे पूजन करेंगे हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बताते हैं। आप अपने घर के मंदिर में, यदि भगवान विष्णु का चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक छोटा सा चित्र स्थापित कर लीजिए। प्रतिदिन स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की घी के दीपक जला करके आरती करिए। ओम जय जगदीश हरे की जो आरती होती है वो आरती करिएगा, और पीले रंग का एक पुष्प नियमित रूप से अर्पित करना है, पीले रंग का चंदन लगाना है, प्रतिदिन पीले रंग का पुष्प, पीले रंग का चंदन लगाना है और भगवान विष्णु की आरती करनी है। बस इतना सा आप प्रतिदिन करना शुरू करिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा जो लोग मंत्र जाप करना चाहते हैं, वो प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भगवान विष्णु का पूजन करिए होलाष्टक के दौरान, भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की जो दुख हैं, परेशानियां हैं, वो सब दूर होंगी और उन्नति के रास्ते बनेंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय अवश्य लिखिएगा, ताकि आपकी कुंडली बनाकर आपके सवालों के जवाब दिए जा सके। तो होली का उत्सव आपके लिए बहुत शुभ हो,
और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो। होलाष्टक के दौरान उनका पूजन करिए और आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हों। ऐसी प्रार्थना हम भगवान कृष्ण से करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण।